अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए। वाटसन एंड क्रिक ने 1953 में एक मॉडल पेश किया जिसे कहा जाता है वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, डीएनए मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड। ये टू स्ट्रैंड्स हैं ऑफ डीएनए, या आपको वन स्ट्रैंड एंड टू स्ट्रैंड एंड पॉलीन्यूक्लियोटाइड। पॉलीन्यूक्लियोटाइड मतलब इसके अंदर न्यूक्लियोटाइड जो हैं वो ज़्यादा थे। पॉली मीन्स मैनी। पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड, दी स्ट्रैंड्स आर कॉइल्ड अराउंड ईच अदर एंड फॉर्म डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। ये डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है जिसे कहा गया डीएनए। डीएनए के अंदर ये आपको कुछ पेयर नज़र आ रहे हैं, ए फॉर एडिनिन, टी फॉर थायमिन, जी फॉर गुआनिन एंड सी फॉर साइटोसिन। ये जो पेयर्स थे ये इस तरह से थे डीएनए के ऊपर, ए टी जी सी, ए टी जी सी। इनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड मौजूद था। एडिनिन एंड थायमिन के अंदर टू हाइड्रोजन बॉन्ड थे, गुआनिन एंड साइटोसिन के अंदर थ्री हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू ये अटैच थे। अब यहाँ पर पेयर ऑफ न्यूक्लियोटाइड तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन यहाँ पर एक हर स्ट्रक्चर की एक बैकबोन होती है। इसकी भी एक बैकबोन थी जिसे कहा जाता है फॉस्फेट शुगर बैकबोन। तो डीएनए के अंदर अब इसका स्ट्रक्चर जो है वो मैं आपको डायग्राम दिखाती हूँ बुक के अंदर, इस तरह से है। तो ये है आपके पास स्ट्रक्चर। येलो कलर के जो हैं ये नाइट्रोजनस बेसिस हैं, रेड कलर जो है ये फॉस्फेट है, एंड ब्लू कलर जो है ये शुगर है। फॉस्फेट शुगर बैकबोन कहा जाता है इसे। और यहाँ पर मैंने पेयरिंग का बताया, इन डबल हेलिक्स द नाइट्रोजन बेसिस ऑफ ऑपोजिट न्यूक्लियोटाइड फॉर्म पेयर। तो ये पेयर बनाएंगी। एडिनिन अगर इस स्ट्रैंड पे है तो थायमिन दूसरे स्ट्रैंड पे, ऑपोजिट स्ट्रैंड पे होगा। अगर गुआनिन इस स्ट्रैंड पे है तो साइटोसिन ऑपोजिट स्ट्रैंड पे होगा। तो ये पेयर थे। दिस पेयरिंग इज़ वेरी स्पेसिफिक। ये स्पेसिफिक थी, द नाइट्रोजनस बेस एडिनिन ऑफ वन न्यूक्लियोटाइड फॉर्म पेयर विद द थायमिन ऑफ ऑपोजिट न्यूक्लियोटाइड, वाइल साइटोसिन फॉर्म पेयर विद गुआनिन। देर आर टू हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन एडिनिन एंड थायमिन, एंड वाइल देर आर थ्री हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन साइटोसिन एंड गुआनिन। तो ये आपके पास हाइड्रोजन बॉन्ड थे जो कि इसके अंदर मौजूद थे। तो वाटसन एंड क्रिक मॉडल के थ्रू हमें पता चला कि डीएनए का स्ट्रक्चर ये है, और इसके अंदर पॉलीन्यूक्लियोटाइड हैं, इसके अंदर नाइट्रोजनस बेसिस हैं, और ये आपको बेसिस नज़र आ रही हैं। अगर आरएनए का स्ट्रक्चर देखा जाए तो उसमें भी पेयरिंग इसी तरह से होगी। फ़र्क इतना है कि यहाँ पर अगर आरएनए का स्ट्रक्चर हो तो आरएनए के स्ट्रक्चर में एडिनिन के साथ टी की जगह यू आ जाएगा, यानी थायमिन की जगह यूरासिल आ जाएगा। तो ये आरएनए का स्ट्रक्चर आ जाएगा। तो वाटसन एंड क्रिक मॉडल ने ये बताया कि डीएनए जो है वो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है, इसके अंदर पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स हैं, नाइट्रोजनस बेसिस हैं, और इसकी बैकबोन का बताया और इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग का बताया कि कितने हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे एडिनिन और थायमिन के साथ, और गुआनिन एंड साइटोसिन के साथ। तो ये आपने करना है, और ये क्वेश्चन आपको आता है, एक्सप्लेन वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। एक्सप्लेन वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। तो डायग्राम की भी प्रैक्टिस आपने साथ करनी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।